हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र शर्मा, साइंस की क्लास में फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज की टॉपिक जो है साइंस में, हम बात करेंगे लेंस की। बात करेंगे लेंस क्या होता और लेंस का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन ने बात किया था कि लेंस का उपयोग हम दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होते हैं, ठीक है ना, द्विफोकसी लेंस होते हैं। इन सभी लेंसों का अपन ने क्या किया था, बात की थी। आज उसी लेंस का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि लेंस की उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर बात किया लेंस। लेंस के लिए सबसे पहले ये बात करेंगे कि लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है और लेंस किसे कहते हैं और क्या होता है। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए, सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है कि सामान्यतः सामान्य रूप से दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम, किसी अपवर्तक माध्यम को हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं सामान्यतः दो, किसकी बात कर रहे हैं, सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दोस्तों दो गोलीय पृष्ठ से भी हो सकता है, किसी का एक गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, ठीक है ना, एक गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, एक समतल पृष्ठ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि दो गोलीय ही हो, लेकिन जनरली जो लेंस की परिभाषित किया जाता है वो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी, दो गोलीय पृष्ठों से, योगे दो गोलीय पृष्ठों से। देखो अब ये जरूरी है कि दोनों गोला का पृष्ठ जो हो क्या हो, गोलीय हो, ठीक है ना, दोनों तल पृष्ठ। एक पृष्ठ हो सकता है कि कैसा, वो समतल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समतल भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक गोला कैसा हो सकता है, पृष्ठीय गोलीय पृष्ठ हो सकता है, और एक तल कैसा हो सकता है, गोलीय पृष्ठ हो सकता है। एक पृष्ठ तो समतल हो सकता है और एक पृष्ठ गोलीय पृष्ठ हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो या दोनों के दोनों ही समतल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ। तो ये प्रकार है, लेंसों की प्रकार की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपसे जब पूछा जाए तो आपको आसानी से बताना है कि सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को हम लेंस कहते हैं। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, एक गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, और या एक समतल पृष्ठ से भी घिरा हो सकता है। तो हम इसके बारे में यहां पे और भी लिख सकते हैं कि यह एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जो जो दो गोलीय पृष्ठ से भी घिरा हो सकता है, या एक गोलीय पृष्ठ से भी घिरा हो सकता है, या एक समतल पृष्ठ से भी घिरा हो सकता है, ठीक है ना, घिरा हो सकता है, ठीक है। अब अपने से बात करना है कि ये लेंस किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यह लेंस
प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत पे। प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत क्या है मैं बता चुका हूं पिछली क्लासों में, एक बार और हम यहां पे रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, दोहराने की कोशिश करेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, यो माध्यम विरल हो सकता है, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने माध्यम से, जो माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा, मूल दिशा से क्या होती है, विचलित हो जाती है और वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, अपने मूल दिशा से विचलन होकर अभिलंब की दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है वो क्या कहलाता दोस्तों, वो कहलाता प्रकाश का अपवर्तन। इनका अपन उदाहरण भी बताए थे, क्या तारे का टिमटिमाना भी बताए थे अपन ने। इनके अलावा बताया था कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई सिक्का मान लीजिए ग्लास में रखे डूबी रखी हुई है, पानी में रखा हुआ, तो वो हमें अपने वास्तविक स्थान से उभरा हुआ दिखाई देता है। यदि ग्लास में आंशिक रूप से यदि कोई लकड़ी का छड़ डूबा हुआ तो भी मुझे कैसा दिखाई देता, टेढ़ा दिखाई देता। ये सारे उदाहरण अपन ने डिस्कस किया था किसका, प्रकाश का परावर्तन के। तो ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। चलिए अब अपने से जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लेंसों का नामकरण किस प्रकार से होता है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। लेंसों का जो नामकरण होते हैं उनके बाहरी सतह के अनुरूप किया जाता है, उनके बाहरी सतह के अनुरूप अनुसार ही होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना कि लेंसों का जो नामकरण होता है उनके बाहरी सतह के अनुरूप के अनुसार होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, आपसे ये पूछ लिया तो आपको बताना, बाहरी सतह के अनुरूप, किसके अनुरूप, बाहरी सतह के अनुसार या बाहरी सतह के स्वरूप के अनुसार। बाहर की सतह का जैसा उसका स्वरूप होगा उन्हीं के अनुसार हम बात करेंगे, लेंस के प्रकार की बात करेंगे। नॉर्मली यदि लेंस के प्रकार की बात करें तो कि लेंस के जो प्रकार है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस होते हैं। ठीक है ना, किसकी बात करें हम, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम जो क्या कहते हैं, इनकी जो व्याख्या होगा वो अभी अपन देख लेते हैं। उत्तल लेंस को हम किस तरह से बात कर सकते हैं, उत्तल लेंस में दोनों ही पृष्ठ, इनका दोनों ही सतह जो होती है वो कैसा होता है, गोलीय पृष्ठ होता है। क्या होता है, गोलीय पृष्ठ होता है, इसीलिए हम कहते हैं उभयोत्तल। क्या कहते हैं इसको, उभयोत्तल लेंस भी हम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, उभयोत्तल लेंस। तो लेंस के प्रकार की बात करें, लेंस के प्रकार, क्या कहा मैंने, बाहरी लेंस के बाहरी सतह के अनुरूप, बाहरी सतह के स्वरूप के अनुसार, बाहरी सतह के स्वरूप के अनुसार है विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें अपन दो का ही अध्ययन करें, बाकी उनका ही कुछ न कुछ आगे पीछे मिश्रण रहता है। हाँ, तो उनकी डिस्कस ना करके सिर्फ दो करेंगे लेंस के प्रकार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तल लेंस की, किसकी बात करेंगे हम, उत्तल लेंस की बात करेंगे। उत्तल लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले तो हो गया उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता तो वो देखना अपने को, उत्तल लेंस की प्रकार की बात। उत्तल लेंस की ये डायग्राम है, ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। कैसा होता दोस्तों, बीच में मोटा होता है। यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना कि वह लेंस जिनका मध्य क्या होगा, मोटा होता है, यानी बीच में क्या होता, मोटा होता, और किनारे पर पतला होता है।
बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, पतला होता है, ठीक है ना। यह है उत्तल लेंस। ओके, आपसे क्या पूछ लिया, तो वह लेंस जिसका माध्य जो मध्यम भाग हो वो कैसा हो, मोटा हो, और किनारे का भाग जो हो कैसा हो, वो पतला हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना उत्तल लेंस। अब यदि आ जाए कि उत्तल लेंस को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को क्या करती है, अभिसरित कर देती है। क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर देती है, अभिसरित कर देती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। यदि आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये क्या करता है, अभिसरित कर देता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। जस्ट दर्पण में जो हो रहा था वो उल्टा हो रहा, उसी तरह से इसमें समझना, उनमें अवतल लेंस में अभिसारी था, इनमें उत्तल लेंस में अभिसारी होती है, ठीक है ना। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इनके दोनों पृष्ठ जो है, सतह ये वाली और ये वाली, दोनों ही कॉमन है, यानी क्या है, उभय है, यानी ये भी गोलीय और ये भी गोलीय, तो ये गोलीय पृष्ठ होने के कारण, दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ होने के कारण हम उत्तल को उभय उत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय उत्तल। तो उत्तल लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ होने के कारण, इसे हम उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, यानी डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, डबल कन्वेक्स, लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस की बात कर दे दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गए लेंस, की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दूरदृष्टि दोष को, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां अपन ने बात किया किसकी, दूरदृष्टि दोष को, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करना हो तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका, उत्तल लेंस का। अब इसी तरह हम बात करेंगे किसकी, अवतल लेंस की, ठीक है ना। अवतल लेंस की बात करेंगे, अवतल लेंस जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, नंबर एक पॉइंट, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की सबसे बड़ी विशेषता कि जिसका माध्यम में हो, वह लेंस जो मध्य में क्या हो, पतला हो, और किनारे से क्या हो, मोटा हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। देखो किनारे से क्या, ये पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है।
ठीक है। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये सबसे ही महत्वपूर्ण होती है। अपसारी लेंस कहते हैं। इनके दोनों पृष्ठ कॉमन है। दोनों पृष्ठ क्या है? कॉमन है। कैसा? इधर भी पतला और इधर भी पतला, और अंदर की ओर देख लो क्या धसे हुए, अंदर की ओर इधर से भी धसे हुए, अंदर में इधर की ओर भी धसे हुए। तो इसीलिए इस लेंस को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इस लेंस को हम कह सकते हैं उभय अवतल लेंस। क्या कहते हैं? उभय अवतल लेंस भी कह सकते हैं। इस लेंस को क्या कह सकते हैं? उभय अवतल लेंस भी कह सकते हैं। उभय अवतल लेंस भी कहते हैं। दोस्तों ये अभी अपसारी लेंस है। ये अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यों क्या करती है? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देती है, सॉरी अपसरित कर देती है। क्या कर देती है? अपसरित कर देती, अर्थात यह समानांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसरित कर देती है। समानांतर किरणों को किसके बाद? अपवर्तन के पश्चात क्या करती है? अपसरित कर देती है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपसारी लेंस। क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। इसको हम अपसारी लेंस, कोई पूछ ले अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि अपसारी लेंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है? समानांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देता है, ठीक है ना। फैलाने सिकुड़ाने की बात हमने पहले कर चुके हैं। अब अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का क्या मतलब आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरह से क्या करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे लेंस से संबंधित पॉइंट, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बात करेंगे लेंस का सूत्र। अपवर्तन लेंस में क्या होता है, जो सूत्र होगा वो माइनस में हो जाता है, और उसमें देख रहे थे परावर्तन, वो जो दर्पण की बात थी, दर्पण में क्या हो जाता था? एड हो जाता। कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंस का सूत्र होता है, तो लेंस का सूत्र आपको ध्यान रखना दोस्तों कि लेंस का सूत्र भी वही होता है जो दर्पण का सूत्र होता है, बस मध्य में अंतर है कि उसमें क्या होता है, धनात्मक यानी परावर्तन का कार्य करता है, दोनों जुड़ जाते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु, ठीक है ना, ये दोनों की दूरियां आपस में जुड़ जाती है। लेकिन लेंस में क्या होता है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहां पर क्या हो जाती है, उनके बीच में जो प्रकाश का जो होता अपवर्तन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि यदि वस्तु एवं प्रतिबिंब लेंस से दूरियां क्रमशः क्या हो, यहाँ यू एवं वी हो, तथा फोकस दूरी कितना हो, एफ हो, तो उनके बीच में क्या दूरी हो सकता है। मान लिया जाए कि किसी लेंस की बात करें, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो, एफ हो, और वस्तु कि दूरी जो हो, लेंस से वस्तु की दूरी हो वो हो u, लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है वो u हो, और लेंस के प्रतिबिंब की जो दूरी हो और वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी हो लेंस से वो क्या हो, v हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो अपन लिखते हैं यदि किसी वस्तु की दूरी लेंस से u है एवं वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी लेंस से v है तथा
लेंस की फोकस दूरी एफ है तो इनके मध्य सूत्र स्थापित होगा, तो वन अपॉन एफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वन अपॉन एफ बराबर क्या? तो वन माइनस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है ना। ये हो गया अपना सूत्र, जहां वी क्या है, जहां वी वस प्रतिबिंब की दूरी है, जहां वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और ई क्या है U वस्तु की दूरी है, U वस्तु की दूरी है और V प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या है, F है लेंस की फोकस दूरी। क्या है? लेंस की फोकस दूरी। तो आपको यह ध्यान रखना है, यहां पे क्या हो गया माइनस हो गया, आप देख लो यहां पे माइनस, वहां पे क्या था प्लस, बस इतना ही अंतर है, दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस। जहां V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी, ठीक है ना। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है लेंस की क्षमता, ठीक है ना। लेंस की क्षमता की बात करेंगे कि लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं और किस तरह ये निर्भर करता है। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लेंस का क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता की बात करते हैं। यदि हमें पता हो कि लेंस की क्षमता कितना हो, धनात्मक है या ऋणात्मक है, कभी कभी अपन आंखों के चश्मे बनवाने के लिए जाते हैं आंखों के लिए, तो अपन कहते हैं कि हमें माइनस टू का देना है, माइनस तीन का देना, माइनस 0.25 का देना, माइनस एक का दे दो, तो ये सारे क्या है लेंस की क्षमता, ये सब क्या है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो को जो अपन व्यक्त करते हैं वो लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी विलोम में व्यक्त करते हैं। यदि P क्या है लेंस की क्षमता और F क्या है फोकस दूरी, तो आसानी से हम किसी लेंस की क्षमता को फोकस दूरी हो तो हम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, वहां सूत्र होता है वह कि P बराबर 1 अपॉन F, P बराबर 1 अपॉन F, तो आपको लिखना लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है ना। अर्थात P बराबर लेंस की क्षमता को किससे निरूपित करते हैं, लेंस की क्षमता यानी P से डिनोट कर, P बराबर क्या होता है 1/F यानी 1/ फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो हमेशा डायोप्टर में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है डायोप्टर में मापा जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। SI मात्रक क्या है, डायोप्टर है, ठीक है ना। ये ध्यान, लेंस की क्षमता में परिवर्तन भी होती है, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा कि लेंस की क्षमता में यदि लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाए, लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो उनकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या बदलता और क्या नहीं बदलता, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है। हाँ, क्या बताया दोस्तों, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता, डाइऑप्टर होता है। क्या होता दोस्तों, डाइऑप्टर होता है, इसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं।
ओके अब बात करें यदि लेंस की क्षमता के ऊपर प्रभाव, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदल जाएगी, कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, कुछ उनके क्षमता में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। चलिए तो इसकी बात करते हैं। अब लेंस की क्षमता में परिवर्तन, परिवर्तन की बात करें, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो किसमें डुबो दिया जाए, द्रव में, हम द्रव में डुबो दिया जाए तो डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों ही बदल जाती है। डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों ही बदल जाती है। दोनों ही दोस्तों क्या होता है, बदल जाती है। आपको ध्यान है, यहां पूछा जाएगा किसी लेंस को यदि द्रव में डुबोते हो तो क्या होता है, उनकी लेंस में लेंस की जो क्षमता होती है और फोकस दूरी बदल जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी बदल जाती है, अपरिवर्तित होती है, क्षमता बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिंपल से ध्यान रखना कि इसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों ही क्या होती है, बदल जाती है दोस्तों। क्या बदल, यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कि बदलेगा तो कितना बदलेगा। यह यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया था, आपको बताना है कि यदि बदल जाती है तो किस कारण बदल जाती है, किस पे निर्भर करता है, तो ये लेंस और द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये आपसे पूछ लेता तो आपको ये आसानी से सवाल का जवाब देना और समझना भी है कि किस तरह से बदल गया अपन बात। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहां पे आवर्धन की, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, आवर्धन मैग्निफिकेशन अपन बात हर बार दर्पण में भी किए थे और अब लेंस में भी करते हैं कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे हम एम से व्यक्त करते हैं, यानी एम से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवर्धन मैग्निफिकेशन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये भी लेंस के अंदर, जब तक ये लेंस के दोनों के बीच में सामंजन नहीं बैठेगी तब तक वो लेंस प्रॉपर कार्य नहीं करेगी, इसीलिए हमें मैग्निफिकेशन को समझना जरूरी होता है दोस्तों। अब अपन कहते हैं कि लेंस, उत्तल लेंस धनात्मक है ऋणात्मक है, अवतल लेंस धनात्मक है ऋणात्मक है, या उत्तल अवतल लेंस की स्थिति की पता लगाना हो, वो किस स्थिति में किस तरह से कार्य करती है, उसे समझने के लिए हमें उत्तल लेंस द्वारा अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना भी हो कि किस स्थिति में उनका दूरी धनात्मक है, वस्तु ऋणात्मक है,
प्रतिबिंब धनात्मक है या ऋणात्मक है, इस चीज़ का यदि पता लगाना हो तो लेंस में या दर्पण में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो आइए, सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो पद्धति वो किस तरह की होती है वो देखना अपने को। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष का धनात्मक भाग होता है, ये मुख्य अक्ष का ऋणात्मक भाग होता है, और किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, और इसे हम डिनोट करते हैं जी ओ से, ओरिजिन से, ठीक है ना। आपतित किरण हमेशा वस्तु की ओर से होती है, ठीक है, आपतित किरण, और इधर वस्तु की स्थिति यानी बीम की स्थिति है। बीम की हमेशा लेंस और दर्पण दोनों में देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति हमेशा, वस्तु हमेशा जो रखी जाती है वो हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। किधर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु की स्थिति हमेशा बाईं ओर होती है, ठीक है ना, हमेशा बाईं ओर की बात करते हैं। धनात्मक ऊंचाई और ऋणात्मक ऊंचाई, ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। हमेशा इनमें दूरी जो लिया जाता है वो लेंस के मध्य प्रकाशिक केंद्र को मुख्य अक्ष के ऊपर, लेंस के मध्य जो होती मुख्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र को मानकर, मुख्य बिंदु मानकर दूरियां अपन मापी जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दूरियां मापी जाती इन्हीं के हिसाब से। नंबर 1 कि यदि मुख्य अक्ष के ऊपर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक हो जाते, और नीचे होते वो क्या होता है, इसका मतलब सिंपल से समझना है, यदि किसी वस्तु का यदि मुख्य अक्ष से ऊपर यदि बनता है प्रतिबिंब, और वस्तु की स्थिति बाएं तरफ है और उनका प्रतिबिंब भी ऊपर बनता है, तो ध्यान रखना वो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। लेकिन यदि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। इन्हीं चीज को समझने के लिए मुख्य रूप से हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी का क्या अपन किए, एक पद्धति का मान लेके चलते, इन्हीं के अनुसार कार्य करते अपन, ठीक है ना। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी, पार्टी का पद्धति, पद्धति में ये कहती है कि हमेशा कि मुख्य अक्ष किसी भी लेंस के मध्य भाग को अपन क्या मानते हैं, प्रकाशिक केंद्र मानते हैं, और उसको मुख्य अक्ष मानकर हम इस तरह की बातें कर लेते हैं कि यदि ऊपर बन गया यदि वस्तु का प्रतिबिंब तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना वास्तविक और सीधा, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे बन जाता तो वो क्या कहलाता, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। इसी स्थिति को अपने को अब समझना है मुख्य बिंदु के पॉइंट से। तो सबसे पहले जो समझना है वो अपने को समझना है कि प्रतिबिंब के माध्यम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम किस किस नियम से किस किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट अपन, ठीक है ना, कार्तीय चिन्ह पर इस पद्धति में हमें लेंस के, इस पद्धति में कह रहा हमें लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानकर हम क्या करते हैं, सभी दूरियां वहीं से मापी जाती है।
इस पद्धति में बात करते, जो पद्धति है इस पद्धति की बात, इस पद्धति में हम क्या करते, प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानकर हम यहीं से सभी दूरियां आसानी से माप सकते हैं। दूसरा, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है। किधर रखी जाती है दोस्तों? वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जो आपतित किरण की दिशा में मापी गई जो होती है दूरी, वो धनात्मक होता है, यानी इधर की ओर। इधर की बात करें कि आपतित किरण की दिशा में जो मापी जाती है दूरी, वो सारे कैसी होती है? धनात्मक होती है। और विपरीत दिशा में जो मापी जाती है दूरियां, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना कि आपतित किरण की साइड जो भी होती दिशाएं, इधर जो मापी गई दूरियां होता, वो होता धनात्मक, और आपतित किरण के जस्ट विपरीत यदि दूरियां मापते तो वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक। इस तरह से अपने को ये भी समझना है दोस्तों। चलिए, ये तीन पॉइंट सबसे ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके माध्यम से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में दूरी की स्थिति क्या है, फोकस की स्थिति क्या है और वस्तु की स्थिति क्या है। पहला पॉइंट क्या क्या कहा मैंने कि इस पद्धति में प्रकाशिक केंद्र ओ को मूल बिंदु मानकर मूल बिंदु मानकर ही सभी दूरियां मापी जाती है, नंबर एक पर। नंबर दो बात मैंने किया कि बिंब की जो स्थिति, जो बिंब जो रखी जाती है, यानी बिंब का मतलब वस्तु जो रखी होती है, बीम हमेशा यानी सदैव बाईं ओर रखी जाती है। नंबर तीन की बात करेंगे अपन, आपतित किरण की दिशा किधर, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है ना। और आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां क्या होता है? ऋणात्मक होती है। ये मुख्य रूप से तीन पॉइंट है, जो तीन चार पॉइंट को अपने को समझना जरूरी है। अब बात करेंगे कि उत्तल लेंस में इस कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी का, वस्तु की स्थिति की और दूरी की क्या पोजीशन होती, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। इसके अनुसार हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए, कैसे समझेंगे वो देखते हैं। मैं अंतर बता देता हूं। सबसे पहले मान लिया जाए, एक तरफ क्या है आपके पास? अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। और दूसरी तरफ क्या है? उत्तल लेंस, ठीक है। इन दोनों की स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले दोनों में अपन फोकस दूरी की स्थिति की बात करते हैं। किसकी? फोकस दूरी की। फोकस दूरी की क्या स्थिति होगी? तो अवतल लेंस में फोकस दूरी का जो मान होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। और इसमें जो फोकस दूरी का मान होता है वो होती है धनात्मक, ठीक है ना। अब वस्तु की दूरी जो ली जाती है इसमें, यानी u बराबर की बात कर, इसमें जो वस्तु की दूरी ली जाती है वो होता ऋणात्मक, इसमें भी वस्तु की दूरी ली जाती है वो होता है ऋणात्मक।
ठीक है ना। इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो धनात्मक होता है, और इसमें प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो क्या, इसमें प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होता है और इसमें क्या होता है धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी यानी वी बराबर क्या ले जाते ऋणात्मक। इधर की बात करें प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, यह स्थिति पैदा हो जाती है इसमें, जब हम समझेंगे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है और कौन सा धनात्मक ऋणात्मक है। तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि अवतल लेंस में फोकस दूरी की जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है, उसमें धनात्मक होता है। वस्तु की दूरी अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है, उसमें भी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होता है, और इधर क्या होता है धनात्मक होता है। इस तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लेंस में भी हम दर्पण की तरह ही कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, और इस परिपाटी के अनुसार आपको ध्यान रखना कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, किसकी, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की बात करते हैं, जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक ली जाती है, जबकि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। आपको ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आता पेपर में और आपको ये जानना जरूरी है कि किसका क्या होता है, ठीक है ना। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन ने बात कर लिए कि हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है, और इनमें क्या लिया जाता है ऋणात्मक ली जाती है। अब बात करेंगे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति और अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल लेंस सेम एज इट इज अपन बात करेंगे, किसकी तरह बात करेंगे, दर्पण की, दर्पण जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो बन रहे थे प्रतिबिंब की स्थिति, उसी स्थिति की बात करें। मैं बता दूं अपन वो लाइन खींचकर आड़ी तिरछी की अपन बात नहीं करें, अपन एक बिंदु के माध्यम से, क्योंकि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे, तो अपने को समय बचाना होता और सही सही अपने को ज्ञान प्राप्त करने होती है, सही नॉलेज लेने होते, इसके लिए हमें 100 ट्रिक अपनाने पड़ते। अभी मान लिया जाएगा हम बने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, तो उस स्थिति को हमें शॉर्ट में बताना है, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट ट्रिक में बताना, जो ट्रिक आपको बहुत ही कारगर साबित होता, उपयोगी होता। जैसे मैं बात करूं उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, चलिए तो सबसे पहले इसे समझने के लिए इनके तहत जो मुख्य मुख्य बिंदु आती है उनको समझना जरूरी है कि उत्तल लेंस में जो होते हैं, उत्तल लेंस को समझने के लिए या अवतल लेंस को समझने के लिए हमें इनमें कुछ लेंस से संबंधित मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती है। जो लेंस से संबंधित जो मुख्य बातें होते हैं, जो मुख्य शब्दावली होती है, जो संबंधित शब्द होते हैं, वो लेंस से संबंधित बातें करनी जरूरी है, ठीक है ना। लेंस संबंधी शब्द या पद की बात करें, लेंस संबंधी शब्द या पद, लेंस में कौन कौन से शब्द आते हैं जो आपको परेशान करेगा, वो शब्द की बात करें, तो सबसे पहले जो इसमें शब्द आती है वो होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। तो सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं, हम प्रकाशिक केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, जीरो से, ओ ओरिजिन जिसको कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना, प्रकाशिक केंद्र जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, हम किससे डिनोट करते हैं, इसको ओ से व्यक्त करते हैं। यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश का किरण क्या होता है, विचलन नहीं होता है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि आपसे पूछ ले प्रकाशिक केंद्र क्या है, तब बताना यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश किरणें क्या, प्रकाश किरणें का विचलन नहीं होता है, क्या कहलाता, प्रकाशिक केंद्र कहलाता। लेंस के अंदर वह स्थित बिंदु है, ठीक है ना, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर
क्या गुजरने पर, तो जिससे गुजरने पर प्रकाश की किरणें का विचलन नहीं होता है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, वो मध्य बिंदु हमेशा किसी भी लेंस के अंदर कहां लिया जाता, यहां पे मध्य में लिया जाता, लेंस के मध्य लिया जाता, यहां पे विचलन नहीं होता, यानी डायरेक्ट वो सीधी अपनी दिशा में चली जाती है, विचलन नहीं होता। ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मीन्स ऑप्टिक सेंटर की बात करते हैं, ऑप्टिक सेंटर की बात करते हैं, तो ऑप्टिक सेंटर में आपको ध्यान, ऑप्टिक सेंटर बोलो या ऑप्टिकल सेंटर बोलो, क्या है ये, यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है, लेंस के अंदर यानी लेंस के अंदर, ये लेंस मान लिया जाए, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर की बात करें, स्थित वह बिंदु है जहां से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो विचलित नहीं होती है, वही क्या कहलाता है, प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। दोस्तों चलिए हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिपीट करते हैं किसी बात को, और इससे किसको डिनोट करते हैं, ओरिजिन से, सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर मींस ओरिजिन, इसको ओरिजिन से हम यहां पे डिनोट करते हैं। दोस्तों आइए चलिए अब बात करेंगे, इसके अंदर हम मुख्य अक्ष की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मुख्य अक्ष की बात करेंगे, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एक्स और एक्स माइनस की बात कर ले, ये प्लस और माइनस होता है, मुख्य अक्ष यानी ये इस मध्य प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा होती है, जो यहाँ पे ये ऋणात्मक कार्य करते हैं और ये धनात्मक, ये मुख्य अक्ष है, क्षैतिज रेखा है, क्या है, क्षैतिज रेखा है। अब यदि पूछे जाए कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो लेंस के दोनों पृष्ठों, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, लेंस के मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर देता हूं, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, अब बात करेंगे हम यहां पे फोकस की, किसकी बात करेंगे, फोकस की, मुख्य अक्ष के समानांतर, तीसरा पॉइंट अपन ले लेते हैं, फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, हाँ, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का फोकस कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। यदि कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जो होती है, आने वाली लेंस, आने वाली किरणें लेंस में या लेंस के अंदर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं फोकस, क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस। अब बात करेंगे यहीं पे फोकस दूरी की, दूसरा कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस दूरी। ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको अपने को समझना होता है लेंस से संबंधित, क्योंकि आगे जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो इनमें ये आएगी, हाँ, कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम है? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये चार महत्वपूर्ण शब्दावली है लेंस की, जो हम अभी प्रतिबिंब बनाएंगे, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे या हम अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे, तो हम इन शब्दों का हम भलीभांति प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको इस शब्दावली को आपको ध्यान में रखना कि कहां पे किस लेवल की बात करें, हम बात करें उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहले उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आपको उत्तल लेंस बनाना है, इन केंद्र को क्या माना, प्रकाशीय केंद्र बन, और इनको किस रेखा से मिला दे, एक रेखा से मिला दे, इस रेखा से मिलाने के बाद इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, यानी ये ओ, ये भी अनंत बिंदु है और ये भी वस्तु की अनंत स्थिति बिंदु, ये अनंत,
बिंदु लिया, ठीक है ना। अब इनमें दो चीज, एक तो लेना है केंद्र लेना और दूसरा क्या लेना है, अपने को फोकस दूरी लेना, केंद्र और फोकस दूरी लेकर अपने को बात करना है इसमें, तो समझ में आ जाएगी ये किस तरह से अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे आपको भली भांति समझना हो तो समझने के लिए जो अपने जो बेहतर होती है वो शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो कि ये किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तल लेंस से, किसकी, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति की। हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को हम किसी प्रकार के आरी तिरछी लाइन ना खींचकर हम सिर्फ बिंदु के माध्यम से समझेंगे, किसके माध्यम से समझेंगे, बिंदु के माध्यम से। ये पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं, अनंत वक्रता केंद्र फोकस दूरी, ठीक है ना। अब वस्तु की स्थिति हमेशा कहां रखी जाती है वो बात करेंगे। मान लिया जाए वस्तु की स्थिति कहां हो, अनंत पे हो। दूसरी वस्तु की स्थिति कहां हो, इसको समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपना रहे, नए तरीके से मैं बता रहा हूं, आरी तिरछी लाइन नहीं खींचना है। तीसरी स्थिति कहां हो, केंद्र पर। चौथी स्थिति कहां हो, केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी स्थिति कहां हो, फोकस दूरी पर। छठी स्थिति कहां हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। ये एक दो तीन चार पाँच छः, अब इनकी स्थिति अपने को जानना है। तो इनकी स्थिति जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हीं शॉर्ट ट्रिक अपना के मूल बिंदु अपनाने, शॉर्ट ट्रिक अपनाकर इसको प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस में वस्तु बाईं ओर जो स्थित होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता, दाईं ओर बनता, और किधर बनता, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। किधर बनता दोस्तों, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, ठीक है ना। पांच इस तरह से स्थिति को डिनोट करेगा वस्तु का प्रतिबिंब के अनुरूप। अब ऐसी स्थिति, सिंपल सी स्थिति की बात करेंगे, वस्तु की स्थिति बस और प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की बात करेंगे और प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, किसी भी लेंस में चार स्थिति बनती है, चार स्थिति की अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर एक में, यदि वस्तु किधर हो, अनंत पर हो, और किस साइड हो, बायो। वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो आपको क्या करना, एक को एक से मिलाना, दो को तीन को तीन से, चार को इस तरह से मिलाना। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पे है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा F2 पे बनेगा, कहां बनेगा, F2 पर। तो वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत पर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, F2 पर बनेगी, ठीक है ना। और आकार में कैसा बनेगा आपको यह भी बताना, यह भी पूछा जाता। तो एक सबसे छोटा बिंदुवत की बात करते हैं, कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, यानी आकार में सबसे छोटा बनेगा, सबसे छोटा।
बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसमें बनने वाले जो प्रकृति होती वो कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। इधर जो नीचे नीचे बन रहेगा वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, ये समझना है। ठीक है ना, अब एक मैंने बता दिया, दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, इसी स्थिति में अब बात करेंगे, दूसरे पॉइंट पे बात करें, यदि वस्तु की स्थिति देख लेते हैं, अब वस्तु की स्थिति कहां है, देखो C1 से परे, यहां ये नहीं कहेंगे C1 और वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, ये नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे C वक्रता केंद्र से परे, यानी कुछ पीछे की ओर। ठीक है ना, तो वस्तु की स्थिति कहां है, C1 से परे, यानी वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर पीछे की ओर। जब वस्तु की स्थिति दूसरे नंबर की बात करें तो यहां पे दो लिख देंगे, वस्तु की स्थिति C1 से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, F2 और C2 के बीच में बनेगा, F2 और C2 के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आकार में कैसा होगा, वो छोटा होगा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ये हो गए दूसरे स्थिति। इसी तरह से यदि आपसे बात करें तीसरे स्थिति की बात करें कि वस्तु की स्थिति कहां है, केंद्र पर है। देखो वस्तु की स्थिति कहां है, वक्रता केंद्र पर, वस्तु की स्थिति यदि वक्रता केंद्र पर है, केंद्र पर, ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो कहां बताना है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, C2 पर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बन रही है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा, और आकार में समान, जितनी वस्तु की आकार होगी वही किसका आकार होगा, वस्तु के आकार के समान ही वस्तु के आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी उसी तरह से जैसे अपन बताया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना, ये हो गए अपने पास तीसरा पॉइंट की बात कर दी। ठीक है ना, किसके तीसरी पॉइंट की बात, अब चौथी पॉइंट की बात कर लो। चलो चौथी स्थिति कहां है वस्तु की, तो वस्तु की जहां चौथी स्थिति है उस पे अपन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वन कि वस्तु की जो स्थिति है C1 और F2 के बीच है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच है, के बीच यानी मध्य में। तो अब इनको चार से चार का मिलान करो, एक का मिलान हमें एक से करना है, दो का मिलान हमें दो से, तीन का मिलान तीन से करना, उसी तरह चार का मिलान। तो जब वस्तु की स्थिति फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तो इनकी कहां बनेगी, तो आपको बताना C2 से परे, C2 से परे, आप यह नहीं करोगे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, आपको लिखना C2 से परे। और आकार कितना होगा, तो आकार बताना बड़ा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक और उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये हमारी नई स्थिति बन गई, चौथी स्थिति की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम यहां पांचवी स्थिति की। ठीक है ना, पांचवी स्थिति में चलते हैं, ये सबसे आसान तरीका, सरल तरीका है समझने को, प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने, वस्तु की स्थिति कहां, फोकस दूरी पे हो, यानी एफ वन पर है, फोकस दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा, कहां होगा दोस्तों, अनंत पर है। ठीक है ना, और आकार में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। और सबसे जो लास्ट वाली है वह छठी स्थिति, जब वस्तु की स्थिति फोकस और प्रकाशिक केंद्र के क्या है, मध्य, प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के क्या है, मध्य होता है, तब वस्तु की स्थिति जब यदि फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी हुई, लेंस की उसी ओर बनेगी जिस ओर वस्तु रखा हुआ। ठीक है ना, तो इधर रखा हुआ, देखो वस्तु की स्थिति इधर है, तो वस्तु की स्थिति के अनुरूप ही लेंस की इस साइड ही कहां, ऊपर की ओर इनका क्या बन रहा है, इनका बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा। तो इस स्थिति को भी हम डिनोट कर सकते हैं आसानी से, स्थिति का पता लगा सकते हैं।
सही तरीके से, किस तरीके से, सही तरीके से, जैसे रिप वस्तु की प्रकृति का है, फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, यानी ओ के मध्य, ठीक है ना, ओ के बीच है, ठीक है ना, एफ वन और ओ के बीच में यदि वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की उसी ओर जिस ओर क्या रखा है, जिस ओर वस्तु रखी हुई है, और आकार में कैसा बनेगा, आपको आकार में भी बताना, आकार में कैसा बनेगा, तो आकार में बड़ा बन जाएगा, कैसा बनेगा, आकार में बड़ा बने, और कैसा, अब यहां पे प्रतिबिंब की प्रकृति बदल जाएगी। मैंने क्या कहा था कि जो मुख्य अक्ष के नीचे बनता वो सारे वास्तविक उल्टा होता, और मुख्य अक्ष के जो ऊपर बनते सारे कैसे होते, आभासी और सीधा होते, तो आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन सबसे बार बार पूछा जाता है कि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति की बात करता है, जब उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य होता है तो वस्तु की प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, वास्तविक उल्टा होता है या आभासी सीधा होता है, या ये दो, ये इनमें से दोनों, या इनमें कोई नहीं, ऐसे आ जाए तो आपको ध्यान रखना आभासी और सीधा बनता और वस्तु के आकार से हल्का बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहे, और उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी हुई है, तो ये उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर लिए। अब बात करेंगे अपन इसी के अनुसार अवतल लेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अवतल लेंस की। हमें ये समझने के लिए हल्का सा दिमाग लगाने को अप्लाई करना पड़ा दिमाग को, कि इसको हम आरी तिरछी लाइनें खींचकर नहीं समझा सकते, अपन इनको शॉर्ट ट्रिक में समझा, अपन एक बिंदु के माध्यम से वस्तु की स्थिति को माध्यम से हमने इस तरह समझा ताकि आपको ध्यान रहे, अच्छे तरीके से याद हो जाए। इस वीडियो को आप बार बार देखते रहोगे, कॉपी पेन लेके बार बार रिविजन करोगे तो हो सकता है आपको 99.99% आपको समझ में आ जाएगी, और यदि फिर भी यदि नहीं आती तो बार बार आप वीडियो को देख सकते, ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी चीज की आप मदद भी ले सकते हो, गुरुजनों की भी मदद ले सकते हो, और हमारे फीडबैक में भी आप हमसे मदद ले सकते हो कि सर एक बार और रिवीजन किया जाए। आई होप से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो हम दोबारा इसे हम समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे अवतल लेंस की। ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस के मध्य पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र ओ, ठीक है, और ये वस्तु की अनंत स्थिति है, ठीक है, ये वस्तु की अनंत स्थिति है, और यहां पे अपन बात कर लेंगे किसकी, फोकस की बात कर लेंगे, किसकी, फोकस की। जब वस्तु कहां हो, अनंत पे हो, और जब वस्तु कहां हो, वस्तु कहां हो, अनंत और फोकस के मध्य, बस इनमें दो ही बनती है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो जब वस्तु की स्थिति यदि आप बता देते हो कि गुरुजी वस्तु की स्थिति जो है वो अनंत पर है, तो मैं बता दूं कि अवतल लेंस में वस्तु जिधर है उधर की ही और ऊपर में ही, जहां पे वस्तु स्थित उधर ही उनका क्या बनता, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पे है तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस लेंस की उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखा हुआ, और कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, यानी एक, तो एक को एक से आप मिला दीजिए, ठीक है। और यदि वस्तु की स्थिति अनंत और फोकस के मध्य हो तो इनकी प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इनकी प्रतिबिंब बनेगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु की स्थिति रखी है। तो दो ही स्थिति है, पहला वस्तु की स्थिति कहां रखा हुआ, अनंत पे रखा हुआ, ठीक है, तो अनंत पे तो प्रतिबिंब कहां होगा, तो प्रतिबिंब
फोकस पे होगी, फोकस पे बनेगा। और आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे छोटा हो जाएगा। आपको ये लेके चलना है, कैसा हो जाएगा तो आपको बताना है, आकार सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी छोटा कितना, बिंदुवत, एक बिंदु के समान, के समान हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी यहां पे, मैंने क्या कहा था, जब ऊपर बनेगा तो कैसा होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, इस एक स्थिति होगी। उसी तरह से ये दूसरी स्थिति, ये वस्तु की इस स्थिति की बात की, और जब वस्तु कहां हो, अनंत और फोकस के मध्य हो, ठीक है ना, अनंत और फोकस के मध्य हो तब बात करें, यानी अनंत और फोकस दूरी के मध्य, के मध्य हो, तो अनंत और फोकस के मध्य हो तो वस्तु की प्रतिबिंब कहां बनेगी, वो बनेगी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, किसके, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगी, ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। और आकार में छोटा की बात कर देंगे, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक और सीधा होगा, वास्तविक और सीधा होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही, यानी लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, लेंस और फोकस के बीच बनता है, और यह कैसा बनता, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है ना, वस्तु से छोटा बनता है। यदि कोई पूछे तो बता सकते हो कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही, किधर बनती है, वस्तु की ओर ही, यानी लेंस की तरफ ही बनती है, तथा फोकस के बीच, लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, लेंस देखो प्रकाशिक और लेंस के, प्रकाशिक केंद्र और लेंस के बीच बनता, बीच बनता है, और कैसा बनता है, हमेशा आभासी वास्तविक और सॉरी आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये आज की टॉपिक में कंप्लीट होता अपना लेंस, लेंस का चैप्टर, लेंस के चैप्टर को हमने आज पूरी कंप्लीट कर दी। इनसे जो छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन का अध्ययन आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बुक से जो आपके पास है उनके आपसे कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और अधिक से अधिक यदि इनसे क्वेश्चन बन के आते तो आप इसको अटेम्प्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए राम राम।